हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। आज का हमारा क्लास ट्वेल्थ का जो लेक्चर है उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कूलम्स लॉ फिनिश करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उसका एग्जांपल सीख लिया था। आज आपको इसका एंडिंग वाला पार्ट दिखाया जा रहा है, तो आइए देखते हैं एंडिंग पार्ट का फर्स्ट पोर्शन। आपके सामने हेडिंग है चार्जिंग मेथड्स, ठीक है जी। चार्जिंग मेथड्स हेडिंग का मीनिंग है कि आप कितने मेथड से, कितने तरीकों से कहना चाहिए, बॉडीज को चार्ज कर सकते हो। हम चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्जेस एट रेस्ट। तो चार्जिंग कैसे कर सकते हैं वो आपको बताया जा रहा है, उसके डिफरेंट मेथड्स, जिसमें से फर्स्ट ये वाला मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बल्कि इस यूनिट की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत ही इसी मेथड से हुई थी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें आपको काफी सारे एग्जांपल्स बताए थे कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो ये जो रबिंग होती है, इस रबिंग के दौरान फ्रिक्शन हो रहा होता है। तो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसी एबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं, ऐसे पूरा एक टेबल दिखाया था अगर बच्चों को याद हो तो, और नहीं याद है तो फर्स्ट डे का जो लेक्चर है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ट्वेल्थ क्लास की आपकी फर्स्ट क्लास होती है, फर्स्ट लेक्चर होता है, उसमें जाकर देख सकते हैं। पूरा टेबल है जिसमें किस ऑब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट के साथ रब करने पर किस प्रकार का चार्ज आता है, तो वो आपको डिटेल में वहां बताया था। उसका रीजन भी बताया था कि चार्ज क्यों आता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, उससे कितना चार्ज आता है, क्वांटाइजेशन वगैरह, फुल डिटेल में ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट मैं एक आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूं कि कुछ पॉइंट्स रिमाइंड करने से वो टॉपिक आपको याद आ जाए, नहीं तो आप अगर प्रॉपरली याद नहीं आता है तो दोबारा देख सकते हैं। सबसे बढ़िया बात इसकी यही है, इस क्लास ऐप की और इस मेथड ऑफ टीचिंग की। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टाइप के मेथड पर। टोटल तीन मेथड्स हैं चार्जिंग के, जिनमें से फर्स्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर फर्स्ट लेक्चर, सो अब इसके बारे में दोबारा इतना डिटेल करके टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने सेकेंड मेथड की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं, क्योंकि इस मेथड की कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में भी जरूरत पड़ती है, और वैसे मेथड आना तो चाहिए ही, आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन चार्ज अ बॉडी या टू बॉडीज जो भी है। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटेलिक बॉल्स आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, क्योंकि कंडक्शन जो है ये वर्ड ये मेटल्स में अच्छा होता है, किसी भी चीज का, हीट का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी, चार्ज का भी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज को ही कहते हैं। तो हमने ये दो मेटल बॉल्स लिए हैं, इस बॉल का नाम मैं रख देता हूं ए और इस बॉल का नाम रख देता हूं बी। ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं। अब इन दोनों में से एक बॉल ऑलरेडी चार्ज होगा, जिसको आपने किसी न किसी तरीके से पहले से ही चार्ज करके रखा हुआ है। लेट अस सपोज इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉल
फर्स्ट केस में, मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, दूसरी बॉल फर्स्ट केस में हमने सपोज किया न्यूट्रल है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहां मैं लिख देता हूं जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, ए बॉल का चार्ज जिसे हम कहेंगे क्यू ए, वो लेट अस सपोज प्लस 30 कूलम्ब है। ये जो ए बॉल का सारा चार्ज है, लेट अस सपोज ये प्लस 30 कूलम्ब है, और बी बॉल पर इस समय कोई चार्ज नहीं है। ये फर्स्ट केस या फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब आप क्या करोगे, आप इन दोनों बॉल्स को या तो इस तरह टच कराओगे कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम यू हैव टू टच दीज टू बॉल्स, इनको आपस में कॉन्टैक्ट में लाएंगे, या फिर आप कॉन्टैक्ट में न लाओ तो इन दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो आपस में। वायर होता है ना आपका, ये जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, कॉपर का वायर होता है, वो भी कंडक्टर है, अच्छा उस वायर से आपस में इनको कनेक्ट कर दो, तब भी बात वही हो जाएगी। तो या तो आप इनको डायरेक्टली फिजिकली टच करवा दो एक दूसरे से, या फिर आपस में वायर से कनेक्ट कर दो फॉर अ शॉर्ट टाइम। उसके बाद ये वायर आपने हटा देना है, थोड़ी देर वायर से टच किया और वायर हटा देना है, या फिर ये दोनों को जैसे आपको दिखाया जा रहा है, इन दोनों को टच करा के फिर सेपरेट कर देना है, वापस उसी पोजीशन पर आ गए ए और बी। तो ये आपके तीन आपके सिचुएशंस हो गए, पहले इस पर चार्ज था, इस पर नहीं था, आपने उनको टच कराया या वायर से कनेक्ट कर दिया और फिर सेपरेट कर दिया। जब आप ऐसा कर दोगे तो आपको रिजल्ट के तौर पर ये मिलेगा, आइडेंटिकल बॉल्स हैं ये, ध्यान रहे, और उस टचिंग या वायर से कनेक्शन के दौरान इसका चार्ज फ्लो करके इसमें पहुंच जाएगा और दोनों ही चार्ज हो जाएंगी पॉजिटिव। और यही बात यहां पर कि अगर इस पर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होता ए पर, तो भी होता यही कि थोड़ा सा चार्ज ट्रैवल करके यहां पहुंच जाता है और दोनों कैसी चार्ज हो जाती, नेगेटिव। वो भी केस अभी आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल आप पॉजिटिव या नेगेटिव की अभी इतनी टेंशन ना लेते हुए, टचिंग के बाद आफ्टर, ये तो बिफोर हो गया, बिफोर टचिंग जो है आफ्टर कंडक्शन कहना चाहिए, दोनों पर क्यू चार्ज होगा, इस पर भी क्यू, पहले इस पर क्यू ए था और इस पर क्यू बी जो कि जीरो था और क्यू ए था प्लस 30 लिखा है यहां, लेकिन टच करने के बाद जब सेपरेट करेंगे दोनों पर सेम चार्ज होगा क्यू और क्यू, और वो क्यू कैसे फाइंड आउट करा जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय, यानी दोनों का एवरेज या मीन निकल जाएगा। और इस केस में क्योंकि QA की वैल्यू कितनी है, 30, QB का वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो 30 प्लस 0 तो 30 रहेगा, 30 डिवाइडेड बाय 2, Q की वैल्यू आ जाएगी 15 कूलम्ब, यानी 15 कूलम्ब ईच। दोनों चार्ज शेयर कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, इसको ध्यान से समझ लें और हमेशा के लिए याद रखें कि चार्जिंग बाय कंडक्शन का पहला केस, अगर ये
बॉडी चार्ज है, ये अनचार्ज है, न्यूट्रल है। उनको टच कराने के बाद दोनों पर सेम टाइप का और सेम अमाउंट का चार्ज आ जाता है। और वो चार्ज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो दोनों चार्जेस का मीन होता है। ओके बात है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस में अगर मैं बोल दूं कि ये चार्ज इस पर जो था वो पॉजिटिव नहीं, कैसा था, नेगेटिव था। चार्ज तो कैसा भी हो सकता है बॉडी पर, दो ही तरह का चार्ज होता है। और ये बॉडी एज इट इज न्यूट्रल थी, तो क्या होगा वो दिखाते हैं आपको। यहां आपका प्लस के बजाय क्या आ जाएगा, माइनस। और टचिंग के बाद दोनों पर ही कैसा चार्ज होगा, बच्चे जानते हैं, माइनस 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 माइनस, यानी नेगेटिव नेगेटिव। जब नेगेटिव है इस पर तो वही इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। और बिफोर के लिए आपने क्यू ए माइनस 30, क्यू बी 0 ले लिया है। आफ्टर कंडक्शन फॉर्मूला वही रहेगा, क्यू ए प्लस क्यू बी बाई 2। लेकिन आपका यहाँ पर माइनस 30 होने की वजह से, क्यू ए की वैल्यू प्लस के बजाय आपकी बार माइनस 30 होने की वजह से माइनस 30 प्लस 0 माइनस 30 रहेगा, डिवाइडेड बाई 2। आपका चार्ज आ जाएगा क्या, माइनस 15 कूलम्ब ईच। अब दोनों पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है जी बात, बिल्कुल। तो फर्स्ट केस इज क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट केस की तरफ। फर्स्ट केस दोनों को कंबाइंड या कलेक्टिवली फर्स्ट केस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोनों में एक बॉडी पर चार्ज है, एक पर नहीं है। और प्लस हुआ तो माइनस हुआ तो प्रोसीजर एक ही है, इसीलिए इन दोनों पोर्शंस को फर्स्ट केस में ही कंसीडर किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। इसको फर्स्ट के बजाय लिख देते हैं सेकंड केस। और सेकंड केस में क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बना के बताता हूं। ठीक है जी, ये भी हटा देते हैं, इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है। जो जो चीज नहीं चाहिए वी कैन रिमूव इट। अब आ जाएं इस पर। अब की बार इस बॉडी पर प्लस चार्ज है और इस बॉडी पर माइनस चार्ज, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, ए पर माइनस हो और बी पर प्लस हो, तो दोनों एक ही बात मानी जाएंगी कि दोनों में से किसी एक पर प्लस और किसी एक पर माइनस। ठीक है जी बात आपकी। अब ऐसा होने के लिए मैं एग्जांपल बता देता हूं। लेट अस सपोज क्यू ए यहां पर लिखते थे बिफोर, यहां बिफोर लिख देता हूं, बिफोर बिफोर कंडक्शन मतलब बिफोर टचिंग, क्यू ए प्लस 30 कूलम्ब और क्यू बी माइनस 50 कूलम्ब। ऐसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, रेंडमली ले लिया मैंने ऐसी। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, वैल्यूज तो आपको जस्ट जैसे सिचुएशन में होंगी वैसा कर लेना है। अब दोनों में से कोई भी अनचार्ज नहीं है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, मैंने बोला उल्टा भी हो सकता है। अब आपने इनको वही टच कराना है या फिर वायर से कनेक्ट करना है, और थोड़ी देर टच करा के और वायर से कनेक्ट करके रखना है तसल्ली हो जाने तक। और फिर अगर टच कराया है तो वापस सेपरेट कर दो, और वायर से कनेक्ट कराया है तो वायर हटा दो। वायर हटाने के बाद इसका चार्ज और इसका चार्ज
दोनों का चार्ज सेम होगा फिर से, और वो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट तो हर बार सेम है, लेकिन आपको केसेस इसलिए करके बताए जा रहे हैं कि बच्चों को एग्जाम्पल अगर डिफरेंट हो जाए तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो बिफोर ये था, आफ्टर कंडक्शन दोनों पर क्यू चार्ज जो आएगा वो होगा क्यू ए प्लस क्यू बी बाई टू। तो इस केस में वो होगा क्यू ए की वैल्यू आप क्या रखोगे, 30, जो कि प्लस का है, और प्लस ये फॉर्मूले में प्लस है ही, क्यू बी का वैल्यू क्या रखोगे, -50 और डिवाइडेड बाय 2। और अब आपका सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 30 और ये ब्रैकेट ओपन करने पर ये -50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा। और 30 माइनस 50 कितना होगा, Q की वैल्यू होगी अब आपके पास -20 अपॉन 2, और करके Q की वैल्यू होगी -10 कूलम। अब आपका इस पर भी और इस पर भी दोनों पर सेम चार्ज होगा, -10 कूलम और इस पर भी -10 कूलम। अगर फॉर एग्जाम्पल इसका रिवर्स होता, ए पर प्लस का जो चार्ज है वो ज्यादा होता और बी पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होता, तो आपको इनका सम करके ये आंसर -20 के बजाय +20 आता, तो क्यू की वैल्यू +10 कूलम्ब आती, तब दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होता। चार्जिंग बाय कंडक्शन में जब आप दोनों बॉडीज को कनेक्ट करते हो, तो कनेक्शन हटाने के बाद, कॉन्टैक्ट हटाने के बाद, दोनों पर एक तो सेम टाइप का चार्ज आता है और सेम अमाउंट भी, सेम चार्ज होता है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सेम टाइप, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और जो दोनों पर कंडक्शन के बाद, बिफोर कंडक्शन है, आफ्टर कंडक्शन जो चार्ज है उसकी नेचर भी और वैल्यू जो है वो एवरेज, दोनों का एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ना किसी पर ज्यादा ना किसी पर कम, दोनों का मीन। ठीक है जी, मीन मतलब दो से डिवाइड होगा। तो ये आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी सेकेंड मेथड भी एक्सप्लेन हो गया। अगर किसी के पास कोई और ऑप्शन है कि ऐसा ऐसा होने पर क्या होगा, तो वो मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप और बहुत सारे मेथड्स हैं, मैसेजिंग करके पूछ सकते हैं। तो कंडक्शन में बॉडीज को टच कराना होता है और टच करने के बाद उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, वो आपको दिखा दिया है। ये जो -10 -10 दोनों पर आया है इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब पहले दोनों पर अलग अलग चार्ज था और फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोबारा से और बराबर हो गया। तो ये आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन फिनिश होता है। अब आपको दिखाते हैं अगला मेथड, जिसका नाम है क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ले चलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की दुनिया में। ये पहुंचा दिया आपको कहां, चार्जिंग बाय इंडक्शन की। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन की दुनिया में भी आपके पास दो बॉल्स हैं फिर से, लेकिन इस प्रोसेस को सीखने के लिए हमेशा याद रखें कि इंडक्शन क्या है, वो एक प्रोसेस है पूरा, और उस प्रोसेस को सीखने के लिए ये एग्जाम्पल मैं बच्चों को दिखा रहा हूँ, जिसमें इस ए बॉल पर फिलहाल मैंने कंसीडर कर लिया है पॉजिटिव चार्ज Q और मान ले कि 50 कूलम, QA बोल देता हूँ ना, QA मतलब चार्ज ऑन A, और बी बॉल पर कोई चार्ज नहीं है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में दूसरी बॉल पर चार्ज नहीं होना चाहिए,
कंडक्शन में दोनों पर चार्ज हो सकता है या एक न्यूट्रल भी हो सकती है, लेकिन इसमें दूसरी यानी बी बॉल न्यूट्रल ही होनी चाहिए, ये हमेशा न्यूट्रल होगी। तो पहला एग्जाम्पल में ए बॉल पर कुछ चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, बी बॉल पर कोई चार्ज नहीं है। अब आपने इन दोनों बॉल्स को इस तरह से क्लोज लाना है, क्लोज लाना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करो, ये टच नहीं होनी चाहिए। टच हो गई तो मामला पहुंच जाएगा कहां, चार्जिंग बाय कंडक्शन की दुनिया। तो टच होने से तो कंडक्शन हो जाएगा, लेकिन हम कंडक्शन तो पढ़ चुके हैं, हम अब पढ़ने वाले हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में ये दोनों बॉल्स या दोनों कंडक्टर्स टच नहीं होने चाहिए। अब इस पर तो प्लस चार्ज ऑलरेडी है ही, जब आप इस बी बॉल को जिस पर चार्ज नहीं है इसके नजदीक लाओगे तो क्या होगा वो मैं बताता हूं। ध्यान रहे बच्चों को पहले दूसरे लेक्चर में ही ये बात समझा दी गई थी कि जिस बॉडी को हम न्यूट्रल कह रहे हैं यानी उस पर चार्ज नहीं है या चार्ज जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5, और उतना ही नेगेटिव चार्ज है 1 2 3 4 5, 5 बनाते हैं, ये 5 यहां बनाते हैं। तो जितना पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर रखा है, और कैंसिल करने की वजह से टोटल चार्ज नेट चार्ज जीरो आया है। तो जिस बॉडी को आप कह रहे हो कि चार्ज नहीं है, उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन न्यूट्रलाइज हो रखा है, वो कैंसिल हो रखा है। ये जो न्यूट्रॉन का एग्जांपल बोलते हैं ना कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जीरो, QN बोल लेते हैं। तो न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो इसलिए होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के। बाद में जब आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाई जाती है तो वहां ये बात बताई जाती है स्पेशली कि न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ, न्यूट्रॉन इज कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, उनको कंबाइन करके बनाया, और प्रोटॉन पर जितना चार्ज पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज नेगेटिव होता है, तो कंबाइन होकर जो न्यूट्रॉन बनता है उस न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज इसीलिए नहीं होता है। ये तो दुनिया का सबसे छोटे पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन पर भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। तो दुनिया में कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल कही जा रही है तो इसका मतलब उस पर दोनों तरह का चार्ज है, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल किया हुआ है। अब आपके पास ये बॉडी जब इसके नजदीक आएगी तो अगर ए पर प्लस चार्ज है तो बी का सारा नेगेटिव चार्ज उससे अट्रैक्ट होगा और इस कोने पर आ जाएगा, और बी का सारा पॉजिटिव चार्ज इस ए से रिपेल होकर दूसरे छोर पर, दूसरे कोने पर चला जाएगा। बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पास लाने से ये अट्रैक्शन हो जाएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस बी बॉल को अर्थिंग कर देनी है। अर्थिंग कर देने का मतलब एक वायर से बी बॉल को टच कराकर अर्थ यानी जमीन में टच करा देना है। और ये रूल है कि जब भी किसी चार्ज बॉडी को एक वायर से कनेक्ट करके अर्थ से टच कराते हैं, सारा चार्ज फ्लो करके अर्थ पर चला जाता है। वो आपको बाद में डिटेल में बताया जाएगा रीजन वगैरह, लेकिन फिलहाल आप ऐसा समझ लें कि चार्ज भी ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब ये पोटेंशियल मीनिंग आपको बाद में एक चैप्टर के नाम पे
चैप्टर पूरा इसी नाम पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वहाँ डिटेल में बताएंगे। फिलहाल ये समझ लें अभी के लिए कि चार्ज बॉडी का सारा चार्ज फ्लो करके अर्थ पर चला जाता है। तो जब आप इसकी अर्थिंग करेंगे ना, तो अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, अर्थिंग करने के बाद ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, अर्थिंग तो कर दी, अर्थिंग करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर था वो सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके अर्थ में चला जाएगा। तो पहले इस पर पॉजिटिव था, इस पर दोनों तरह का चार्ज था जिसने एक दूसरे को कैंसिल किया हुआ था, इसके दोनों को एक दूसरे के बहुत नियर यानी नज़दीक लाने पर सारा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके एक कोने पर आ गया, सारा पॉजिटिव चार्ज इस ए के पॉजिटिव से रिपेल होके दूसरे कोने पर चला गया, अर्थिंग करी तो वो फ्लो करके अर्थ पर चला गया। अब इस पर कौन सा चार्ज बचा है, सिर्फ माइनस। और फिर अब आप इनको वापस दूर दूर ले जाएंगे तो ए पर अभी भी 50 कूलम चार्ज है, बी पर इस तरह से, क्योंकि दूर ले जाने पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अब पॉजिटिव से अट्रैक्ट तो होगा नहीं, अब ये इसमें पूरे में फैल जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ पर जा ही चुका है, सारा नेगेटिव चार्ज इस पर फैल जाएगा और वो क्यू बी मालूम कितना होगा, यानी कंडक्शन में एक से दूसरे पर फ्लो करके चार्ज पहुंच रहा था और दोनों पर आधा आधा हो जा रहा था, 10-10, 20-20 और सेम नेचर का। इंडक्शन में अगर ए पर प्लस चार्ज है तो बी पर एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। और ये जो प्रोसेस पूरी कहानी सुनाई है, पास लाने वाली और ये नेगेटिव अट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिव रिपेल हुआ, इस प्रोसेस को ही इंडक्शन कहा जाता है। ऐसा करने को ये पूरी कहानी का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन, इसीलिए इसे चार्जिंग बाय इंडक्शन कहा जा रहा है। और ये जो चार्ज इस पर आया है ना, इस चार्ज को भी कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इंडक्शन के मेथड से जो चार्ज बॉडी ने एक्वायर किया है उसका एक पर्टिकुलर नाम रखा गया है, इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। और मैं अब इसका फॉर्मेलिटी के लिए, वैसे तो जरूरत नहीं है, मुझे पता है बच्चे अच्छी तरह समझ गए हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए जिससे कि मुझे थोड़ा सा बोझ ना लगे, इसलिए मैं इसका दूसरा केस भी बता देता हूँ। दूसरा केस क्या कि मान लीजिए इस बॉडी पर प्लस के बजाय माइनस चार्ज होता, वही माइनस 50, वैल्यू कुछ भी ले लो, मेन चीज नेचर है। आपने ऑलरेडी जो बॉडी ए ली है, चार्ज्ड बॉडी, उस पर प्लस के बजाय माइनस चार्ज होता, और ये तो चार्ज ऑलरेडी इस पर नहीं है क्योंकि आपने दूसरी बॉडी हमेशा चार्जिंग बाय इंडक्शन करते हुए एक बॉडी चार्ज और दूसरी बॉडी न्यूट्रल लेनी है। अब ये न्यूट्रल है तो उसका तो एक ही कारण है कि दोनों तरह का चार्ज है और वो एक दूसरे को कैंसिल किया हुआ है। अब आप इनको जब नजदीक लाते तो केस क्या होता, ए पर मैंने बताया कैसा चार्ज है, नेगेटिव ऑलरेडी, और ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अब इसमें, पहले इधर नेगेटिव आके एक्यूमुलेट हुआ था, इकट्ठा हुआ था, अब इस पूरी का न्यूट्रल है ये, तो इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, वो पॉजिटिव इधर आके इकट्ठा होगा इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होके, और नेगेटिव चार्ज यहां पर रिपेल होके दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। अर्थिंग करेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज यहां से गायब हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज यहां से गायब होकर अर्थ पर चला जाएगा, और फिर क्या होगा, इस पर तो जो है वो ही रहेगा, क्या माइनस कितना, माइनस 50। लेकिन जब आप इसको दूर ले जाओगे और अर्थिंग हटा भी दोगे तब इस पर कैसा चार्ज होगा, प्लस 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 और प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज जो कि यहाँ इधर
किनारे पर आ गया था, इससे अट्रैक्ट होके दूर ले जाने पर ये पूरे में फैल जाएगा, और नेगेटिव इसका तो पहले ही अर्थ पे गायब करा जा चुका है, ये +50 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो आपको ये चैप्टर फिनिश होने पर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चार्जिंग के बाकी दो मेथड्स क्या क्या होते हैं। मैंने बहुत डिटेल में फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है, बुक्स में ये टॉपिक दिया है, नोट्स में भी दिया होता है, लेकिन उसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स और इतनी सिचुएशन लेकर नहीं बताया जाता, उसमें बहुत शॉर्टकट में, किसी भी बुक में आप पढ़ोगे काफ़ी शॉर्टकट में दिया होता है। तो हमने आपको पूरे सिचुएशन और एग्जाम्पल्स और सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी समझा दिए हैं जितने पॉसिबल वो होते हैं इसके चांसेस सारे। तो यहां आपका कूलम्स लॉ चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे हर बुक में सिलेबस में चैप्टर्स के नाम और ऑर्डर और नंबर और यूनिट वाइज चेंज दिया गया है, लेकिन अगर प्रॉपर डिटेल के हिसाब से अच्छी तरह समझ के पढ़ें तो आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट भी होती है ये पूरे फिजिक्स की, आपके 12th क्लास के फिजिक्स की, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है कूलम्स लॉ जो आपने फिनिश कर लिया, सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड चैप्टर है गॉस थ्योरम, फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और फिफ्थ चैप्टर है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो ये आपके पास 5 चैप्टर्स का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनता है मिलकर, इसमें से ये आपने कर लिया है, और ये वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चे इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह एक बार रिवाइज कर लें, गो थ्रू कर लें, क्योंकि इस यूनिट की एक स्पेशल बात यह है कि आपने जो जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते जाओगे वो सेकेंड चैप्टर में, फर्स्ट सेकेंड का जो भी कुछ सीखा कॉन्सेप्ट वो थर्ड में, और 1-3 का सीखा जो फोर्थ, और 1-5 का फिफ्थ में, ऐसे हर नेक्स्ट चैप्टर में पिछले सारे चैप्टर्स में सीखी गई बातें यूज़ की जाएंगी। तो वहाँ बच्चों को दिक्कत आती है जो पहले वाला चैप्टर नहीं जानते हैं अगले चैप्टर समझने में। और ये पूरी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म होने के बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, उससे अगला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और फोर्थ यूनिट जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो फर्स्ट 4 यूनिट्स जो हैं आपकी, थर्ड रह गया 1-4, ये फर्स्ट 4 यूनिट्स पूरी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और ये पूरी चारों यूनिट मिलकर फिजिक्स का एक पूरा ब्रांच बनाती हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ब्रांचेस के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था, फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये चारों यूनिट भी फिजिक्स की एक पूरी ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और पूरे 12th क्लास के सिलेबस का 50% से ज़्यादा कोर्स यही पूरी ब्रांच कवर करती है। इसके अलावा एक और ब्रांच है जो मेनली आपको 12th क्लास में पढ़नी पड़ती है, वो है ऑप्टिक्स, बाकी सब छोटा मोटा चिल्लर पोर्शन है। तो द मेन पोर्शन ऑफ क्लास 12th सिलेबस इज कवर्ड बाय अ सिंगल ब्रांच कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज वन इम्पॉर्टेंट बेसिक पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसको स्ट्रांगली कर लें तो आपको आगे के चैप्टर्स में टाइम भी बहुत कम लगेगा, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, ये बात डेड श्योर है, सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे ज़्यादा टाइम इसमें इसी में लगता है, क्योंकि ये बेस है, बेस बनाने में जितना स्ट्रांगली आप मेहनत करोगे आपकी आगे की जो पोर्शन है उसमें मेहनत भी कम लगेगी, दिमाग भी कम लगेगा, और फास्ट हो जाएगा सारा काम। तो ये सारी कहानी आपको इसीलिए बताई जा रही है जिससे बच्चे अभी सीरियस हो जाएं।
तो उनको आगे दिक्कत ना आ जाए, वरना बहुत सारी कहावतें हैं इस बात पर, जब टाइम निकल जाता है उसके बाद जब हमें पता चलता है कि अब पछताए क्या होत वगैरह वगैरह। ठीक है, समझदार हो आप, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।